नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। घरेलू शेयर बाजारों की तेजी के दम पर रुपया शुरुआती गिरावट से उबरने में कामयाब रहा। मंगलवार को अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 73.71 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रुपये ने 73.94 रुपए प्रति डॉलर पर कारोबार की नरम शुरुआत की। हालांकि जल्द ही ये उबरने में कामयाब रहा और अंततः 13 पैसे बढ़कर 73.71 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 73.71 रुपए प्रति डॉलर के उच्च स्तर पर और 73.94 रुपए प्रति डॉलर के निचले स्तर पर रहा। हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कागज रहित ई बोर्डिंग सुविधा शुरू की है। यह ऐसा करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। हैदराबाद हवाई अड्डे का संचालन करने वाली कंपनी जीएमआर समूह ने मंगलवार को यह कहा। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि जीएमआर समूह के नियंत्रण वाले हवाई अड्डे के पास पहले से ही भारत के पहले और एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा होने का श्रेय है जो सभी उड़ानों में अपने सभी घरेलू यात्रियों को ई बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करता है। मारुति का लक्ष्य अगले 2 से 3 साल में इस कारोबार का विस्तार देश के 7 शहरों में करना है। कंपनी ने 24 सितंबर को इस योजना की शुरुआत की थी और कार खरीदे बिना कार रखने की आसान पेशकश का वादा किया है। मारुति सुजुकी के कार्यकारी निदेशक मार्केटिंग और सेल्स शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 5 साल में इन शहरों में हमारी बिक्री का करीब 3 से 4% हिस्सा सब्सक्रिप्शन कार्यक्रम के जरिए आएगा। कोविड-19 महामारी के कारण शहरी इलाकों में दबाव का सामना कर रही FMCG कंपनियों की वृद्धि को ग्रामीण भारत से सहारा मिल रहा है। सितंबर में खत्म हुई दूसरी तिमाही में अधिकतर FMCG कंपनियों के नतीजों में लगभग यही रुझान देखने को मिला। ग्रामीण बाजारों में इन कंपनियों की वृद्धि दर शहरी इलाकों की तुलना में काफी अधिक है। विश्लेषकों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में अगले 3 से 6 महीने में बिक्री में वृद्धि बनी रह सकती है। वहीं शहरी इलाकों में वृद्धि अगले साल की जून तिमाही में पटरी पर आ सकती है। चीन की अर्थव्यवस्था की बढ़त 2020 में 44 साल के निचले स्तर पर पहुंच सकती है। हालांकि 2021 में यह 8.4% की दर से बढ़ेगी। 2020 में जहां कोविड-19 का असर अर्थव्यवस्था पर दिखेगा, वहीं 2021 में इसमें वापसी की उम्मीद है। एक सर्वे के मुताबिक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के बारे में अनुमान है कि यह 2020 में 2.1% की दर से बढ़ेगी। 37 एनालिस्ट के साथ किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है। इस बुलेटिन वक्त जरा छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। इसके तहत 500 करोड़ रुपए के फर्जी बिल के जरिए कैश जनरेट करने वालों एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। देश भर में कई राज्यों में छापा मारा गया है। जानकारी के मुताबिक ये रैकेट व्यक्तिगत तरीके से एक नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा था। इसमें एंट्री ऑपरेशन के जरिए फर्जी बिल तैयार किए जाते थे। इसी का पता चलने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने कई राज्यों में 42 जगहों पर छापा मारा। इसमें दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा शामिल हैं। इनकम टैक्स विभाग ने इस छापे में 5 करोड़ रुपए की नकदी, 17 बैंक लॉकर्स और प्रॉपर्टी में बेनामी निवेश और सैकड़ों करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट बरामद की है। फिल्म और समाज के क्षेत्र में अपने योगदान के कारण बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन देश के सबसे विश्वसनीय और सम्मानित ब्रांड के रूप में उभरे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स की ओर से TRR रिपोर्ट जारी की गई है। TRR रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन सबसे भरोसेमंद सेलिब्रिटी बताया गया है। इस रिपोर्ट में अमिताभ बच्चन को 88.0 के TRR स्कोर के साथ भारत की सबसे विश्वसनीय हस्तियों के रूप में वोट दिया गया है। केंद्र सरकार ने सिंगल मेल पेरेंट्स के हित में बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि ऐसे सरकारी मेल कर्मचारी जो सिंगल पिता हैं, वे अब बच्चों की देखरेख के लिए छुट्टी ले सकेंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिंगल मेल पेरेंट में अविवाहित कर्मचारी, विधुर और तलाकशुदा पुरुष शामिल हैं। वो अपने बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उठाने के लिए चाइल्ड केयर लीव के हकदार हैं। इस कदम को सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम सुधार बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आदेश कुछ समय पहले जारी कर दिए गए थे, लेकिन किन्हीं वजहों से जनता से इसका पर्याप्त प्रचार नहीं हो पाया। यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ डील नहीं हो पाती तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड लिक्विडेशन में आ जाएगी। Amazon.com की याचिका पर सिंगापुर में मध्यस्थ अदालत में सुनवाई के दौरान फ्यूचर रिटेल ने यह बात कही है। Amazon.com ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस सौदे के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। रविवार को मध्यस्थ अदालत ने Amazon के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस डील पर रोक लगा दी थी। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच अगस्त में 24,713 करोड़ रुपए की डील हुई थी। इसके तहत फ्यूचर ग्रुप ने अपना रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स कारोबार रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को बेच दिया था। और भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को सभी बैंकों और NBFC से कहा है कि वे 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर 6 महीने के मॉरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज की माफी की योजना को लागू करें। यह अवधि 1 मार्च से 6 महीने तक की अवधि के दौरान लिए गए मॉरेटोरियम की है। आपको बता दें कि RBI के इस फैसले से लोन लेने वाले इंडिविजुअल और MSME को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर कहा था कि वे मॉरेटोरियम अवधि के 6 महीनों के ब्याज पर ब्याज की माफी को तैयार है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।